हे एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉन की रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, यूनिक सी है। पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं प्रॉन मसाला करी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कढ़ाई में हम ले लेंगे तेल। यहाँ पे सरसों का तेल लिए हैं। तेल जब गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे जीरा, और फिर इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जो कि फाइनली चॉप्ड मैंने कर लिया है। और अब इसको हम लोग भुनेंगे, कुछ इस तरह से हल्का सा भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे बिल्कुल फाइन ग्रेट भी कर लिया था, आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसे पेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर जब ये अच्छे से भुन जाए अदरक लहसुन, तब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर ये मैंने छोटे साइज़ का दो टमाटर मैंने लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, साथ में रेड चिल्ली पाउडर, और इसे अब हम लोग थोड़ा भून लेंगे कुछ इस तरह से। और जब हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उस समय अब हम लोग इसमें डाल देंगे हमारी प्रॉन। प्रॉन को मैंने पहले से ही छील लिए थे अच्छे से, उसके सारे जो शेल्स हैं वो हटा के साफ करके रखे हुए थे। और इसे आप अच्छी तरह से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमें ये पूरी कुकिंग करनी है ताकि हमारा जो प्रॉन है वो अच्छी तरह से पक जाए। कुछ इस तरह से आप इसको ओकेजनली भूनते रहिए। प्रॉन खुद भी पानी बहुत छोड़ता है, तो इसे अपने पानी में ही पकने दीजिए। और फिर उसके बाद जब ये बहुत पानी छोड़ देना तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर दीजिएगा ताकि हमारा पानी जो है वो थोड़ा जल्दी से सूख सा जाए। अब देखिए ये पानी जो है हमारा ऑलमोस्ट सूख सा गया है, तो इसमें हम डालेंगे मसाला। मसाला यहाँ जो रेगुलर मसाला, जो मैजिक मसाला चैनल पे है भी, वो आप देख सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ये मैंने इसमें डाल दिया। गरम मसाला अगर आपको नहीं देना है तो साथ में आप जो मार्केट में मिलते हैं ना फिश मसाला, आप वो भी दे सकते हैं। और इस समय अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक यूनिक इसकी इंग्रेडिएंट है, इसमें हम लोग डालेंगे धनिया पत्ता का पेस्ट। जो धनिया पत्ता को आप पीस लें, और फिर अब आप इसे अच्छी तरह से भुनें। अब आप इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि थोड़ा सा इसका तेल सफ़ेद सा ना होने लग जाए। काफ़ी अच्छा स्वाद आता है धनिया पत्ता, जो इतना ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में मैंने इसमें पेस्ट के फॉर्म में दिया है, बहुत मज़ेदार स्वादिष्ट। देखिए अब इसका जो तेल है वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट सा होने लगा है। तो जब ये ऐसे हल्का हल्का सा सेपरेट सा पानी होने लग तेल होने लग जाए ना, फिर इसमें हम डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने अराउंड 250 ml के अराउंड में पानी इसमें डाली थी, और मीडियम फ्लेम पे आप इसे ढक करके पका लीजिए। 5 से 7 मिनट तक आप इसे पकाएंगे। और ये देखिए हमारा जो प्रॉन का करी है वो बनके तैयार हो गया है। गार्निश के लिए धनिया की पत्ती डालिए। और अब इसे हम लोग फ्लेम बंद करके थोड़ी देर यूं ही छोड़ देंगे। ये ग्रेवी का थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इस प्रॉन करी को आप राइस के साथ, सिंपल स्टीम राइस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो बस बनाइए, खाइए एंड एन्जॉय।